तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, राइट, यूजिंग द रिसोर्सेज वेरी वाइजली एंड जुडिशियस वे, राइट। तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन में उसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया था कि एवरी इंडिविजुअल एवरी पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन रिसोर्स कंजर्वेशन एंड हाउ बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन, ऑल्सो रिसाइकलिंग द रिसोर्सेज एंड रीयूजिंग इट। तो आज हम लोग एक बार डिटेल में जो भी मैंने पिछले क्लास में एक आपको रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडिया दिया था, आज उसको अपने इस नेक्स्ट क्लास में एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ओके? तो लेट अस टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके? सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको ब्रीफ में पिछले क्लास में बता दिया है, बट एक बार सारे पॉइंट्स को एक बार मैं कवर करूंगी, ओके? सो कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे आपके पास, एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्ट्रक्शन है और डिग्रेडेशन है। कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों, कि कोई भी रिसोर्स का, कोई भी नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट। क्यों प्रॉपर मैनेजमेंट करना है हमें, क्योंकि वी हैव टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन या उसका डिस्ट्रक्शन या फिर उसका डिग्रेडेशन। एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स ऑफ कि वी ह्यूमन बीइंग्स वी टेंड टू कंज्यूम अ लॉट, वी टेंड टू ओवर यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे प्लांट्स हो, ट्रीज हो, एयर हो, जो भी आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो उससे, जो भी फ्यूम्स, जो कार्स या फिर स्कूटर्स, इन सब चीजों से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो एयर में जाता है, एयर पोल्यूशन होता है, या फिर आप देख लो इन सारी चीजों से। ये तो आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो कैसे हम अपने नेचर को पोल्यूट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं, कि वाटर अगर है तो उस वाटर को यूजलेसली आप अगर टैप वाटर को चला दो, या फिर कहीं आपके घर में लीक हो रहा है पानी, तो वो पानी जो लीक हो रहा है वो भी तो वाटर का एक वेस्टेज हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो जुडिशियस यूज होना चाहिए वाटर का, उस तरीके से हम उसको यूज नहीं करते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट, तो उसको प्रिवेंट करना, वो एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना, डिस्ट्रक्ट करने से प्रिवेंट करना, ट्रीज का जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, राइट, सॉइल जो हमारा इससे सॉइल इरोजन भी होता है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट आप देखते हो एनवायरमेंट में इन सब चीजों से होता है। उसके अलावा डिग्रेडेशन की जो भी क्वालिटी है अपने नेचुरल रिसोर्सेज की, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वी हैव टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व नेचर फॉर फॉलोइंग रीजंस। नाउ लेट अस हैव अ लुक टू सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट रीजंस। द फर्स्ट रीजन हियर इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ। तो बच्चों अगर हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आई थिंक सबसे पहले अगर आप सोचोगे तो आपने ज्योग्राफी में क्लास 6 ये सब में ही पढ़ा होगा, तो एयर और वाटर आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, द बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो जो एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ये जितनी भी चीज है जो भी हमारे अर्थ सर्फेस पे प्रेजेंट है, दीज नेचुरल रिसोर्सेज, उसका एक वी हैव टू मेंटेन दैट इकोलॉजिकल बैलेंस। व्हाई दैट? बिकॉज दीज नेचुरल रिसोर्सेज इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग आवर लाइफ। तो आपने देखा है कि अगर आप इमेजिन करो कि एयर ही नहीं होता, एटमोसफेयर ही नहीं होता अर्थ सर्फेस पे, या फिर वाटर ही नहीं होता, तो हाउ कुड हैव बीन लाइफ पॉसिबल ऑन आवर प्लैनेट, राइट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इसीलिए बच्चों ये जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें किसी ना किसी तरीके से इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, द ग्रीडी नीड्स, राइट, कि हम लोग फैक्ट्रीज बनाना पसंद करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना पसंद करते हैं, हम सारे ट्रीज को कट कर देते हैं जस्ट टू फुलफिल आवर ओन नीड्स, टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, राइट। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारे पूरे एनवायरमेंट का रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता, राइट, वो इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाता है। सो व्हाई इज इट अर्जेंट नीड टू कंजर्व नेचर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस टू सपोर्ट लाइफ, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट हियर इज टू प्रिजर्व डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज क्या होता है, ये हमारे एनवायरमेंट में आप देखोगे तो ऐसा नहीं, आपको बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज दिखते हैं, राइट, आप राइट फ्रॉम द प्लांट्स टू दैट ऑफ द एनिमल्स। तो प्लांट्स में भी आपको बहुत छोटे छोटे प्लांट्स देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखेंगे, बड़े बड़े भी फ्लावर्स देखेंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखेंगे, तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज है। वैसे ही अगर आप एनिमल्स में बात करो, इतने वैरायटी ऑफ स्पीशीज है बच्चों कि आपको तो आधे से ज्यादा का नाम भी नहीं पता होगा, राइट।
और इसी कंडीशन में होता है कि हम लोग अपने एनवायरमेंट के को इतना ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं कि बहुत से ऐसे वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो रहे हैं, यू नो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज होते हैं, राइट right? तो ऐसे बहुत कैटेगरी में स्पीशीज हो जाते हैं. व्हाई? जस्ट बिकॉज वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग आवर नेचर एंड इट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन अस अलॉन्ग विद द प्लांट्स, अलॉन्ग विद द एनिमल्स एंड अलॉन्ग एंड यू कैन टेक द होल एनवायरमेंट, बी इट द एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, रॉक्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग. तो हम लोग को ये जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सबको प्रिजर्व करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो बैलेंस नहीं क्रिएट होगा. अगर वो बैलेंस नहीं क्रिएट होगा तो हमारा जो अपना लाइफ है दैट वुड बी ऑल्सो इनडेंजर्ड, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस. अब बच्चों ये फ्यूचर जनरेशन की बात हो रही है, आप सोचोगे आई एम प्रेजेंट ईयर, आई एम इन द प्रेजेंट सेंचुरी, तो मेरे को जितना यूज करना होगा मैं उतना यूज कर लूंगा, व्हाई टू थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन? आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज अगर आप एक यू नो वर्ल्ड इमेजिन करो जहां पर आपके फ्यूचर जनरेशन जो आपके बाद के जनरेशन आएंगे, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड फॉर देम जहां पे यू वांट टू लिव अ वर्ल्ड फॉर देम, जहां पे उनके पास कोई ट्रीज नहीं हो, उनके पास कोई फ्रेश एयर नहीं हो ब्रीथ करने के लिए, जो सॉइल हो वो बहुत ही इरोडेड हो, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड हो, और जितने भी रिसोर्सेज जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट है वो उनके पास हो ही नहीं, तो कैन यू इमेजिन कि हाउ विल दे सर्वाइव? Obviously, there is no point of their survival. उनका survival एक बहुत danger में आएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग resources को बहुत judicious way में use नहीं करेंगे, we are not going to balance our needs or and that of our environment. तो जो भी resources हमारे पास अभी available हैं, obviously we are going to over exploit those. तो it is very important for us to make the resources available for the present. Right? We are living in the present world, so we have to use these resources. ये तो हमारे लिए एक बेसिक नीड है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन. मतलब हमें इतना यूज करना चाहिए कि वी आर सेटिस्फाइड विद द नीड्स, ऑल्सो कि हमें एक कंजप्शन जो हमारा है उसको रिड्यूस करना चाहिए, जितनी हमें जरूरत है उतना यूज करो. दैट इज कॉल्ड वेरी यूजफुल, वेरी वाइजफुल एंड जुडिशियस वे ऑफ यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट फॉर आर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है दैट वी आर यूजिंग टूडे वी आर लिविंग हैप्पीली दैट कैन बी अवेलेबल टू देम ऑल्सो, राइट? एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक टाइम आएगा, अगर वाटर ही नहीं अवेलेबल हुआ उनको, अगर उनके पास सॉइल, जो जिस सॉइल पे हम लोग अपना घर बनाते हैं, वी हैव फैक्ट्रीज देयर, रोड, एवरीथिंग, सब कुछ तो जमीन पर ही है ना, तो पता चला उनके पास तो कोई भी फर्टाइल लैंड नहीं है, कल्टिवेबल लैंड नहीं है उनके पास, तो हाउ आर दे गोइंग टू यू नो ग्रो क्रॉप्स, हाउ आर दे गोइंग टू गेट देयर फूड? यू कांट इमेजिन दैट, राइट? तो हमारा ऐसा ना कंडीशन हो कि ये इम्बैलेंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम अपने नीड्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे सर्वाइवल पे ही बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाए. नाउ टू think of that and to ensure the survival of human race, it is very important for us to conserve our own natural resources so that we can use it you know till the time you are alive and also for the future generations who are going to come after you, right? To aapke char main basic points hai conservation of natural resources ke, to maintain ecological balance, second is to prevent to preserve the different kind of species, the third point is to make the resources available for the present and future generation, and the fourth point is to ensure the survival of human race, right? अब हम थोड़ा examples के through देखते हैं कि हमारे soil का कैसे हम लोग अपने soil का conservation करते हैं, या फिर हम लोग water जो है उसको conserve करने का क्या तरीका है, right? तो examples के through अगर आप ये सारे examples देखोगे तो you will be able to know कि हाँ there are some ways through which we can conserve the soil, we can conserve our water. Also, if we are going to do that, we have to implement, if we are going to learn that, you should implement that, right? In your own daily lives, आप अगर ये सारी चीजें समझोगे तो आप किसी और को भी बता सकते हो. आपके अगर घर के पास कोई फार्मर होगा तो आप उनको बता सकते हो that you can use this way to conserve the soil, right? तो हम देखते हैं. First here, the first images of mulching. तो
बच्चों अब समझते हैं मल्चिंग क्या होता है। तो इस फोटो में आप क्या देख रहे हो कि एक ट्री के अराउंड यहाँ पे कवर किया गया है अपना टॉप सरफेस जो सॉइल का है, तो इसको ये जो जिस चीज से कवर करते हैं इसको मल्च कहते हैं। नाउ मल्चिंग इज व्हाट यू नो कवरिंग द और प्रोटेक्टिंग द टॉप लेयर द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड मल्चिंग। नाउ दीज मल्चिंग इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में बर्च, यू नो बर्च वो बार्क ऑफ ट्रीज जो होते हैं, छोटे छोटे ट्विग्स जो होते हैं या लीव्स जो होते हैं, ये सारे स्ट्रॉज, ये छोटी छोटी चीजें इससे कवर किया जाता है। इनऑर्गेनिक में आप स्टोन्स, पेबल्स, रॉक्स, वो छोटे छोटे जो गिट्टी होती है, इन सब चीजों को यूज करके ये जो टॉप लेयर है कवर किया जाता है ताकि सॉइल इरोजन भी ना हो, राइट। तो इस तरीके से अपना एक फर्म रूट, ये जो ट्री है वो अपना फर्मनेस भी मेंटेन कर सके। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल हियर इज ऑफ स्ट्रिप फार्मिंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग देखते हैं क्या होता है। लैंड में जो ये एरिया आप देख रहे हो इसको स्ट्रिप में, इट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप और अल्टरनेटिव बेसिस पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो एक जो बहुत डेंसर रूट का क्रॉप होता है जिसमें बहुत वाटर रिक्वायर्ड है, फिर लेसर रूट का होता है, फिर डेंसर, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव वे में स्ट्रिप फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। दैट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो इट चेक्स द इरोजन ऑफ सॉइल। द थर्ड वन हियर इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में क्या होता है बच्चों कि सक्सेशन में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक यू नो एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो होता है, उसके बाद उसके सक्सेशन में फिर दूसरा क्रॉप होता है। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। बहुत जगह पे फार्मर्स यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने सॉइल फर्टिलिटी को चेक करता है और ऑल्सो इरोजन से सॉइल को बचाता है। एंड द फोर्थ वन हियर इज ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन या फिर वैसा रीजन जहाँ पे बहुत बहुत कम मॉइस्चर अवेलेबल हो उस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सॉइल में, तो विदाउट एनी इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे फर्टिलाइजर्स होता है या फिर आप मशीन्स देख लो, उन सब के बिना एक ड्राई लैंड में ये फार्मिंग की जाती है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे चार इमेजेस, आपने देखा मल्चिंग का देखा है, स्ट्रिप फार्मिंग देखा, क्रॉप रोटेशन देखा है, ड्राई फार्मिंग देखा है। तो आपने देखा कि ये सारे जो वेज है इससे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ तरीका तो है जिससे हम अपने सॉइल को बचा सकते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन और यू नो डिप्लीशन। तो एक तरीका हो गया हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का, दैट इज वी हैव सीन थ्रू द एग्जांपल ऑफ सॉइल। अब दूसरा जो है बच्चों, ये हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए देखते हैं, इसके बारे में आपको शायद पता भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है। तो ये उस एरिया में प्रैक्टिस होता है जहाँ पे एक समर रीजन में बहुत कम पानी आए तो पानी को ये लोग सेव करते हैं, इसको कलेक्ट करके एक दूसरी जगह पे रखते हैं। जब बारिश होती है तो एक टैंक टाइप एक स्ट्रक्चर बनाया रहता है घर के पास और वहाँ पे सारा पानी नीचे ग्राउंड पे कवर होता है, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इस तरीके से देखो, टैंक में पानी बचा कर रखते हैं, ओके, या फिर कहीं पे कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये राजस्थान और ऐसे एरिड रीजन्स जो होते हैं वहां पे बेसिकली होता है, जहाँ पे रेनफॉल की बहुत कमी है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन अनदर वे जहाँ पे इंश्योर कर सकते हो दैट वाटर इज देयर अवेलेबल फॉर यू व्हेन देयर इज शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो आपने अब देख लिया एक सॉइल कंजर्वेशन के लिए दो तीन इमेजेस, चार इमेजेस देखे और चार तरीके आपने देखे। आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखा, ओके। तो अब आप समझ गए हो कि कंजर्व करने के लिए ये सारी चीजें इम्पॉर्टेंट है और बहुत एयर पोल्यूशन ये सबको भी चेक में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। नाउ यू हैव टू लर्न थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ये तीन पॉइंट जो है आपका, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, फिर से रीयूज करो, है ना। तो ऐसे आप अपने एनवायरमेंट में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर सकते हो बच्चों, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही। इन शॉर्ट वी लर्न अबाउट कंजर्वेशन एंड इट्स नीड इन डिटेल। पहली वाली क्लास में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया था। ऑल्सो वी सॉ डिफरेंट वेज टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर इन दिस सेशन। तो आपने देखा इमेजेस के थ्रू। आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।